हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का जो वीकली टेस्ट 28 अक्टूबर को हुआ है, मैथ का 28 अक्टूबर को जो वीकली टेस्ट हुआ है, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। इस आंसर की को देखिएगा, साथ में सारे पीडीएफ आप लोग को दे दिए जाएंगे, व्हाट्सएप से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पर ही समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। आधार लिखा हुआ है फिर गुने ऊंचाई, ठीक है। ये नीचे में ऐसा मत समझिए बट्टा में चला गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आप लोग को हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में आप लोग को इसका आंसर की भी मिल जाएगा, सबका, सभी क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। यहाँ देखिए, दो नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचा जाता है तो कितने समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज प्राप्त होते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आया है आप लोग का, जो दो नंबर क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचा जाता है तो कितने समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज प्राप्त होते हैं? यहाँ देखिएगा, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें हम लोग एक विकर्ण खींच देते हैं, इसमें हम लोग कितने समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज प्राप्त होते हैं? एक, और इधर में दो, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हमारा आंसर सही हो जाएगा? दो, ठीक है। तो दो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ही सही हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, वीकली टेस्ट का सभी क्वेश्चन, यही नहीं बल्कि आप लोग जितना भी वीकली टेस्ट आप लोग का प्रीवियस में हो चुका है, अगर आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? हम लोग कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम लोग लिख लेंगे, इसको आधार हम लोग को कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना दे है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को ऊँचाई पता करना है, तो ऊँचाई पता करने के लिए क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे? आधार गुने ऊंचाई, उसका फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई लिख दिए। इधर क्षेत्रफल कितना दिया होता है 50, तो 50 इधर लिख दिए, और आधार हमारा 10 था, ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10 लिख दिया, और गुना ऊंचाई। अब ये जो गुना में है, ऊंचाई के साथ गुना में, तो इधर आकर ये क्षेत्रफल के साथ क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, तो 50/10 हो जाएगा, और 10 से 50 को काट दीजिए 5 बार में, 5 आपका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, और चार नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर ऐसा आपको सब्जेक्टिव बनाना है तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा आधार कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, और आपको ज्ञात क्या करना है। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग ऊपर वाला चीज़ लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा अगर लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे? आधार गुने ऊंचाई होता है, तो आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर, 8 को 6 से गुना कर दिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके पास भी सेंटीमीटर रहेगा, इसके पास भी सेंटीमीटर रहेगा। और जब मान लीजिए इस सेंटीमीटर की जगह एक से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर आ जाएगा, इसी प्रकार सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पांच नंबर क्वेश्चन है कि समान आधारों और पर और समान समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है, यहाँ पर ये समान आधार, इसका आधार एक ही है DC और एक ही समांतर रेखा के बीच ये स्थित है। दो चतुर्भुज है, एक ABCD है, एक ABCD है, दूसरा EFCD है, EFCD है, ठीक है। अब ये दोनों का आप देखिएगा तो दोनों DC आधार पर बना हुआ है और ये एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो अब ये दोनों का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा। जब मान लीजिए ABCD का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ EFCD दोनों का क्षेत्रफल जब बराबर होगा, मतलब अगर बराबर है मतलब ऊपर है तो नीचे में, अगर ऊपर में 25 है तो नीचे में भी 25 है, 25 कटेगा, 1:1 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, मतलब 1:1 आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला भी लीजिएगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो वो लोग मिला भी सकते हैं, और साथ में आप लोग अगर इसका आंसर की प्रैक्टिस करने के लिए आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं या क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा, अगर नहीं उपलब्ध होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना है क्या आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है नहीं। यदि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है तो वो क्या होगा, तो एक अगर मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है उसका विकर्ण बराबर है तो क्या होगा, वो आयत होगा, वो आयत होगा। जैसे यहाँ पर दिखाते हैं आपको, यहाँ पर एक हम लोग आयत बनाए और इसमें इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, ये विकर्ण खींचिएगा, ये दोनों विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ए सी बराबर बी डी होगा, ए सी ये वाला इसके बराबर होगा तो क्या होगा, वो आयत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि कोण सी डी बी 45 डिग्री है और कोण डी ए बी 65 डिग्री है तो कोण सी बी डी क्या होगा, तो कोण सी बी डी क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि कोण सी बी डी 45 डिग्री है, ये सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी मतलब सॉरी सी डी बी लिखा हुआ है, सी डी बी मतलब ये वाला कोण कितना है, 45 डिग्री है, कोण डी ए बी 65 डिग्री है, कोण डी ए बी 65 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तब तो कोण सी बी डी क्या होगा, तो ये कोण क्या होगा पूछा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगर ये कोण 65 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज के समक्ष कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। जब ये 65 डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास अब हम लोग कोई एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है, त्रिभुज का दो कोण हम लोग को पता है, एक कोण पता करना है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर 180 डिग्री होता है। अब कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, कोण बी हमको पता नहीं है, कोण सी 45 डिग्री है, कोण डी 65 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर कोण सी 65 डिग्री होगा और कोण बी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर फेरबदल हो गया है, इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोण डी के जगह पे हमें 65 लिखना चाहिए था और कोण सी के जगह पे हमें 45 लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, 110 डिग्री। ओके, अब 110 इधर में है, इधर ही में ये प्लस में है, 180 की तरफ ले जाएंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री हमारा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ही ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एक्स और वाई का मान ज्ञात करें, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर देखिएगा, ये एक्स है और ये वाई है, इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग को एक मतलब एक शॉर्ट तरीका भी बताते हैं। जैसे देखिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है, ये क्या कितना है, 110 है, तो अगला कितना होगा, 110 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर बी कितना है, 70 डिग्री है, तो एक्स भी कितना होगा, 70 डिग्री, तो एक्स बराबर 70 डिग्री और वाई बराबर 110 डिग्री हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स बराबर 70 डिग्री और वाई बराबर 110 डिग्री, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस चतुर्भुज का आधार क्या होगा, तो इस चतुर्भुज का आधार क्या होगा, कैसे हम लोग पता करेंगे, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज का आप लोग लिख सकते हैं, आधार कितना दिया हुआ है, ऊंचाई क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं। जैसे ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और आधार आपको नहीं दिया हुआ है, तो उसको वाट उसी को पता करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई लिखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल 250 है, ठीक है, आधार नहीं पता है, ऊंचाई हमको 20 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब 20 को उधर से इधर लेकर चलाएंगे, अब 0 से 0 को काट दीजिए, ऊपर में 250 है और नीचे में 20 है, इस 0 को इस 0 से काट दीजिए तो बचेगा क्या, 25/2 बचेगा, 2 से हम लोग इसको काटेंगे, 24 या ऐसे भी आप कर सकते हैं, 25/2 है ना, तो 2 से 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, 1 की जगह एक पॉइंट अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो वहाँ पर 0 बैठेगा, तो 1 2 5 10, मतलब 12.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आधार हमारा 12.5 हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे? आधार कितना है? 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। देख लीजिए इसको कैसे हम लोग पता करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है? 18, ऊंचाई कितना है? 3। 18 को 3 से गुना कर दीजिए, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण दूसरे का 3 गुना है और कोण की माप ज्ञात करें। एक कोण दूसरे का 3 गुना है और कोण का माप ज्ञात करने के लिए बोल रहे, तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? देखिए, यहाँ समांतर चतुर्भुज का एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है, कोण की माप ज्ञात करें। माना पहला कोण बराबर क्या है? x, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे कोण बराबर क्या हो जाएगा? x, क्योंकि अगर मान लेते हैं ऐसे बन रहा है तो ये पहला कोण हमारा x है, दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 3x, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? इसका सम्मुख भुजा समान होगा, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा समान होते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये कोण हमारा x है, ये 3x है। ठीक है, तो ये कोण भी x हो जाएगा और ये कोण इसके सामने वाला भी कोण क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज के कोणों की माप क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, जब 360 डिग्री होता है तो x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको जब जोड़िएगा तो 3 3 6 और 6 2, इसके पास भी 1 1 है ना, तो 1 1 2 8x हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 3x कितना होगा? 4x हो जाएगा। अब फिर x प्लस 3x 4x कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। तो 8x बराबर 360 डिग्री। अब देखिए x बराबर क्या करेंगे? 360 बाई 8। ठीक है, 8 से काटिए, 8 8 4 32 बचेगा 4, यहाँ पर ही 8 5 40, 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा और यहाँ पर ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, कौन सा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? तो 45 डिग्री जब आंसर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? x बराबर हमारा 45 डिग्री हो गया, तो पहला कोण x बराबर 45 डिग्री, दूसरा कोण 3x था मतलब 135 डिग्री हो जाएगा, 3 को 45 से गुना कर देंगे, चौथा कोण हमारा x बराबर 45, इस प्रकार से आप लोग को सबको कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार क्या होगा? ये आप लोग इसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन चलिए इसका भी सॉल्यूशन आप लोग को दिखा दे रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो 36 बराबर आधार गुने 4, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो अब 4 को इधर लाकर हम लोग भाग कर देंगे, 36 बाई 4 कर देंगे, तो 4 से काटिए, 9 बार में कट जाएगा, मतलब आधार बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, मतलब आधार 9 सेंटीमीटर, तो आधार बराबर 9 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 0.25 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, यहाँ पर नीचे जाते हैं, यहाँ देखिए आधार बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है? 0.25 सेंटीमीटर। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 0.25 को हम लोग क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 125 आएगा। और यहाँ देख रहे हो, दो संख्या के बाद पॉइंट बैठा हो, तो दो संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एक्स वाई और जेड का मान क्या होगा? पी क्यू आर एस में एक्स वाई और जेड का मान पूछा है, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात कर लेंगे उसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, यहाँ समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एक्स वाई और जेड का मान क्या होगा? यहाँ देखिएगा, एक्स वाई जेड यही है ना, ये जेड है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, मतलब ये जो कोण है इसका 180 डिग्री होगा, तो इधर 100 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स प्लस 100 डिग्री, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि कोण
PRS ये वाला हो जाएगा PSR प्लस SRQ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो X PSR के जगह पे कौन PSR क्या है X है और PSRQ क्या है 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री लिखेंगे। अब X बराबर क्या कर देंगे 180 में से 100 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो X अगर 80 डिग्री है यहाँ देखिए, अगर X 80 डिग्री है तो जेड भी 80 डिग्री होगा और ये अगर 110 डिग्री है तो इसके सामने का ये जो कोण है ये वाई ये भी कितना होगा, ये भी आपका 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है देख लीजिएगा यहाँ पर ये आंसर एक्स बराबर जेड, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होती है, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा और वाई बराबर 110 डिग्री। ठीक है या तो आप लोग का ये आंसर लिख लीजिएगा, आता एक्स बराबर 80 डिग्री, वाई बराबर 110 डिग्री और जेड बराबर 80 डिग्री। ठीक है अब चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए ई लंब डी सी और सी एफ लंब ए डी है, यदि ए बी 16 सेंटीमीटर और ए ई 8 सेंटीमीटर और सी एफ 10 सेंटीमीटर तो ए डी ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है और ये हमारा आधार के लिए है, मतलब ठीक है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ हम लोग जब डी सी को आधार मानेंगे तो किसको ऊंचाई मानेंगे, ए यू को ऊंचाई मानेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, फिर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, अब हम लोग ए डी को आधार मान रहे हैं, जब ए डी को आधार मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, इसको ऊंचाई मानेंगे, सी एफ को ऊंचाई मानेंगे। ठीक है तो आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा ए डी इंटू सी एफ। अब समीकरण एक तथा दो से इस डी सी इंटू ए ई बराबर ए डी इंटू क्या हो जाएगा सी ए, डी सी कितना हुआ दिया हुआ था 16 सेंटीमीटर, ए ई 8 सेंटीमीटर, ए डी आपको पता नहीं था और सी एफ कितना हुआ था 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है देखिए यहाँ पर आप लोग अगर सोच रहे होंगे डी सी कैसे लिख दिए, यहाँ देखिए ये वाला भुजा कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ए बी, ए बी अगर 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसके सामने का भुजा जो होगा बराबर होगा, मतलब डी सी भी 16 सेंटीमीटर का होगा, इसलिए यहाँ पर ही 16 लिखा गया है। ठीक है इसलिए यहाँ पर ही 16 लिखा गया, तो 16 और ए ई आपको दिया हुआ है तो 8 इंटू ए डी इंटू 10 लिख लेंगे हम लोग। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को ले जाकर इसको भाग करेंगे। ठीक है तो 16 को 8 से पहले गुना कीजिएगा तो 128 आ जाएगा। अब 128 को अगर 10 से हम लोग भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट बैठ जाएगा, मतलब 12.8 इसका ए डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12.8, मतलब ए डी बराबर 12.8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये सब क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए थे, यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो नो विकर्ण समान हो तो सिद्ध करें कि वो समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा, एक आयत होगा कैसे, अब पहले हम लोग एक आयत बना लेंगे। ठीक है उसमें हम लोग आयत बनाकर उसमें दो एक विकर्ण खींच ले रहे हैं इधर और इधर। ठीक है अब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी क्या है आयत है, ए सी ये वाला और ये जिसमें ए सी बराबर बी डी है, ए सी बराबर बी डी है, मतलब ए सी जो विकर्ण है वो ए सी जो विकर्ण है वो बी डी के बराबर है। ठीक है यहाँ देखिए अब सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक आयत होगा, अब कैसे सिद्ध करेंगे तो यहाँ देखिए जब हम लोग ये आयत खींचे तो हमारे पास यहाँ पर एक त्रिभुज बना, जस्ट वन सेकेंड, ए डी बी ए डी बी एक त्रिभुज बना हुआ है ये। ठीक है और दूसरा त्रिभुज इधर बना हुआ है, दूसरा त्रिभुज ऊपर में बना हुआ है, ऊपर वाले त्रिभुज का क्या नाम है बी सी ए। ठीक है एक त्रिभुज बना हुआ है ए डी बी और दूसरा बी सी ए ये वाला त्रिभुज बी सी ए दूसरा त्रिभुज बना हुआ है। अब ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या होता है बराबर होता है, ए डी बराबर बी सी क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। पहला हमारा त्रिभुज एक इधर त्रिभुज बना हुआ है और दूसरा एक इधर त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है अब देखिएगा आगे देखिएगा ए बी बराबर बी ए होगा, ए बी बराबर बी ए होगा, ए बी और बी ए दोनों बराबर होगा। ठीक है हम लोग ए बी बी ए को भी ए बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ आधार हैं। अब देखिए जब ये बराबर होगा तो बी डी ये जो है बी डी जो है वो इसके बराबर होगा,
बी डी बराबर ए सी, क्यों? क्योंकि दिया गया है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ए सी बराबर बी डी लिखा हुआ था ना, तो वही चीज़ हम लोग लिख देंगे कि बी डी बराबर ए सी। तब ए डी बी त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस द्वारा, अब ये क्या करता है, एस 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 सर्वांगसम नियम क्या कहता है, कहता है कि अगर यदि त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज के भुजा बराबर है तो वो सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोण कोण डी ए बी, कोण डी ए बी देखिए, कोण डी ए बी और कोण कोण ए बी सी या कोण ए बी सी, कोण डी ए बी और कोण बी सी सॉरी सी बी ए, कोण सी बी ए, सी बी ए और डी ए बी, ये दोनों जो है 90 डिग्री का है, दोनों क्या है 90 डिग्री का है। अब जब दोनों 90 डिग्री का है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दोनों बराबर है, 90 डिग्री है दोनों बराबर है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या है, ए डी जो है वो बी सी के समांतर है, बी सी के समांतर है और ए बी, ए बी इनसे मिलती है, अतः डी ए बी प्लस सी बी ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, अंतःकोण। ठीक है, और इसका और प्रूवमेंट था शायद, इसका कुछ प्रूवमेंट छूट रहा है वो, अच्छा ठीक है, इस वीडियो को मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगा, वहाँ पर आप लोग सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये पीडीएफ को और वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।